यार मैं ही क्यों बोलूं यार, तुम बोलो ना प्लीज। व्हाई लाइक दैट? नीता अग्रवाल मर जाएगी क्रैश इफ शी कम टू नो कि उनके घर में बहू नहीं है। और मेरी फैमिली एनआरआई टैमराम बॉय का डाउरी पता है कितना मिलता है? वी ऑल हैव इश्यूज। तो मतलब हम में से कोई भी नहीं बोलने वाला है? शायद तो ठीक है, ब्रेकअप कर लेते ना। फाइन। लव इतना मुश्किल कब हुआ यार? कहाँ गया वो दीवानगी वाला इश्क, वो 90s के गानों वाला क्रेजी लव वाला लव? आजकल की रिलेशनशिप्स आर लाइक स्टैंडिंग अक्रॉस द ब्रिज, जिसमें कोई भी क्रॉस करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद हम इतना सोचने लगे हैं कि हम फील करना भूल गए, और इस कैलकुलेशन और गेम्स में हम थोड़े कोल्ड और थोड़े नॉन बिलीवर हो गए। She was in love with love. उसने लव के लिए सब कुछ रिस्क कर लिया था। इस कोल्ड कैजुअल डेटिंग की दुनिया में लिज अकेली लॉस्ट ओल्ड सोल थी, who still believed in love. Jane Austen. Austen's world was decadent yet sensitive. Her literature has primarily been about romance, and I think that's what's kept her relevant. That's what's kept her going, her work, her literature so present through the centuries. Yeah? But those antiquated notions of love no longer exist. But they should. I mean, think about it. A man being chivalrous, holding the door for her, getting her flowers. We all want that. We all want that someone special just for us to go through this life. Someone who's made for us and we're made for them. How very Bollywood of you. I mean... Hey, your rom-coms are no better, okay? Just another anti-Bollywood guy standing in front of a girl asking her to suck your dick. Okay. No, we're going off track. No, think about it. Chahe Bollywood musicals ho, ya Austin ke balls ya galas. Ballroom dancing ho, ya nightclub dancing. Everyone's just looking for love. Century koi bhi ho. Pyar pyar hota hai. Bas, usse dhoondna padta. We just have to look for it. Right? Aur... जब प्यार मिल जाता है तो पूरी कायनात बदल देता है।
जो भी करती हो उसी में अपना पूरा पैशन डाल देती हो। आई गेस मैं इस कैंपस में जब अपनी शूटिंग लोकेशन ढूंढने आया था ना, मुझे नहीं मालूम था मुझे मेरी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। यू आर एन ओल्ड सोल लिसन, अपनी वो नॉवेल्स की हीरोइंस की तरह। वेटिंग फॉर डार्सी। आ तभी हिम्मत कौर ढिल्लन से लिज हो गई। प्लीज डोंट मेंशन दैट। अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नाम हिम्मत रखा होता ना, तुम्हारी भी हिम्मत टूट जाती होती। आई कॉल माय सेल्फ लिज। यू नो लिज, तुम एक पोएम हो, उसे जितनी बार पढ़ते हैं उसके अलग मायने निकलते हैं। मैंने अपनी फिल्म तुम्हें डेडिकेट की। तुम्हारे प्यार के नजरिए ने मेरी दुनिया बदल दी। आई मीन तुम नहीं तो ये फिल्म नहीं। तुम प्रेमियो पे आओगी ना? ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। 6 महीने से लिस को अपनी इस आर्टी फिल्म डायरेक्टर अरिंदम पर क्रश था और आज उसे अपनी ड्रीम डेट मिल गई थी। पर जब आपका नाम हिम्मत हो और आपके काम बिल्कुल उल्टे हो तो मैं नहीं जा रही हूँ। लिस, जस्ट शट अप, ओके? लिसन, अगर तू अपने स्वेट पैंट्स में जलाटो खाते हुए फ्रेंड्स का एपिसोड देखती नजर आई ना, आई एम गोना कम एंड किल यू, ओके? मैं भी कह देता, आजकल कोई डाउरी शाउरी तो कहता नहीं, जिसे कहते हैं ट्रूजर्स। हाय आंटी। She's calling it trousers. What are you doing? Let me guess. मैं मोटी लग रही हूँ। हाँ? मैं मोटी लग नहीं रही हूँ, मैं मोटी हूँ। Look. Come on, this. See this. No, you have not. What's up with you? Please, let's go. Let's get this. Going. Listen. My keto diet failed. मैं पतली होने की बजाय मोटी हो गई हूँ। He must have just called me like that. मैं बहुत nervous हूँ, मैं नहीं जा सकती। मेरा हिसाब बड़ा सिंपल है। वर्जिन गर्ल लेस फीस, नॉन वर्जिन गर्ल ज्यादा फीस। तू ये लड़की है या ऑलिव ऑयल? नॉन वर्जिन के लिए एक्स्ट्रा। मेरी वर्जिनिटी के लिए तो आपको पिंटल छेद बेचनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुसी दसो अभी तक तैयार नहीं हुई। What? Red carpet पे चलना है, उसे ओढ़ना नहीं है। Come on now. Oh, show me. It's a very tight dress. It's your dress. Oh. It looks perfect. No, I'm not coming. This is bilkul so extremely hot. Come on now. Oh my God. Oh, no. I'm getting late. सुबह से चल रहे हैं यहाँ पे. Your sister is your grandmother. Please come out. I'll wear this. Huh? Okay. I can work with this. Why are you doing this to yourself? Oh, okay, come on. We'll just get some makeup on you. Firstly, earmuffs. Can't see. मैं देख नहीं पाऊंगी कुछ। You don't have to right now. पहना दो। Look where. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पक्का? This is too late. Medieval literature पढ़ाती है, right? So medieval women used to match their hips. ऊपर भी और नीचे। All right. Time for some blush. I need cheekbones. Perfect. Okay. Isn't she looking gorgeous? Yeah. Let's go. मिसेस भल्ला की टेढ़ी बेढ़ी बेटी थी, दिलाया ना मैंने उसको फर्स्ट क्लास MBA। मुंडा है चुटकी बजा के। बबीता मैच मेकिंग एजेंसी, असी जा रहे हैं, देर हो रही है, वर्जिनिटी के लिए पैसे इकट्ठे कर लेना। लिस का ओह माय गॉड, आर यू हिटिंग योर फीलिंग्स अगेन? नो, व्हाट डू यू लाइक दिस एरिया? व्हाट? हां, नो, आई जस्ट एडमायर हिज वर्क। बस मैं तो मिल चुकी हूँ, एंड यू नो ही इज काइंड ऑफ लाइक वेरी पेनफुल, बोरिंग, प्रिटेंशियस, बट एनीवे गाइस, मुझे क्लब ड्रॉप कर देना एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट टू मी फॉर द नाइट। यू नो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक बिलियनर पाकिस्तानी लड़की टैक्सी क्यों चलाती है। बोरिंग अबू की हैप्पी वे थी अपनी मजबूती मानी। आई थिंक यू आर जस्ट अ रेबल फॉर रेबल सेक। पर व्हाटएवर, आई थिंक आपका मूड बड़ा खराब है आज। रियली? पर व्हाटएवर, मुझे नहीं जाना है। एलिना, मैरी मी। व्हाट्स हैपनिंग? Bye, guys. Bye, Liz.
Is this your hit movie? Oh yeah, I'm super excited about my film releasing here. Oh, and I'm so excited for everyone to watch. From this premiere, what do you expect? Yeah, I think we have some have interesting fun personalities here. Let me know if you need me, huh? Have fun. Yes, yes, I will. Excuse me. I'm so glad you're here. I'm happy to be here. Her smile, it was like the first flowers of spring. One look at that. Ari ki film bhi usi ki tarah thi. Deep. Aur Liz ko lagne laga tha ki Ari is reaching out from the film just for her. Excuse me, the seat is taken. तो जवाई में उठ जाऊंगा यार, कुछ जरूरी काम है, किसी को देख आऊंगा। What? Picture सामने चल रही है, तुम आदमी को क्यों? What a creep. इतनी boring फिल्म में सो गया था। That's rude. फिल्म आपको भी नहीं देखनी, फिल्म वहाँ चल रही है, यहाँ नहीं। Even you don't want to watch this shit. Your seat. My shit. Oh. इसलिए पसंद है फिल्म भाग लो भूल जाओ सर तुम फिल्म देखो मैं फिल्म देखते हुए तुम्हें देखूंगा How did you like this film? I liked the film. ये बच्चे के साथ कर क्या रहे? He's so weird. I think I'm gonna go. Why? Well, obviously you like him more than me. He's such a creep. You are a creep. Excuse me? किसी ने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुम पता नहीं क्या समझ में तुम्हें भी नहीं आई है You're just like that arty-farty director. No. तुम मुझ पे expert हो. Nicole, did you like the film? Yeah, I mean. The guy who made the movie was hot, so yeah. तुमने tortured soul को देखा अपनी सारी feelings उसपे project कर दी. You don't like the film girl, like him. यार मैं आपको समझता क्या है? Thank you. Yes. Thank you. I have to say. Excuse me. तुम उनसे बात कर सकते थे, it's okay. No, that's you have a son? Yeah. My God, this guy. Let's go. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. तुम्हारे से. You get me. तुमसे मैं कुछ मांगूँ तो तुम दोगी? Of course. Ask me anything. यहाँ नहीं. इस शोर से दूर. कैफे पे है tomorrow? Okay. Excuse me. Yeah. Liz ने अपनी पूरी relationship imagine कर ली थी. हर छोटी detail. Ari की हर बात के पीछे छुपा हुआ मतलब. लिज ने रात भर उन मोमेंट्स को जिया क्योंकि कल वो जानती थी उसके ड्रीम्स रियल होने वाले थे Ari उसे ऑफिशियली प्रपोज करने वाला था एंड ऑफ कोर्स उसका आंसर यस होने वाला था और वही हुआ Ari ने उसे अपने साथ कैंस फिल्म फेस्टिवल चलने के लिए इनवाइट किया एंड इट वाज एवरीथिंग शी हैड ड्रीम्ड ऑफ तुम्हारे बिना तो मैं कांस जा ही नहीं सकता लिज योर ओपिनियन मैटर्स टू मी द मोस्ट तुम साथ चलोगी तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन एवर Ari यू नो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं How much I love you. And अब तुम ये कह रहे हो, it's like really special. Sorry? I meant opinion as friends. तुम्हारा intellectual opinion मेरे लिए बहुत मायने रखता है, you know? Oh. Let's, Liz, it's, right. you know. Yes. It's fine. It's yeah, just. Yeah, it's, sorry, congrats, Kans. I don't know. I have to go. Listen to me, Liz. Hi. Hi. Come. Are you okay? Yeah, yeah. The heart's a mysterious thing. I can't get to Kans without you. Of course. Arindam Anand is the Desi flavor of the year. I'm bringing all my critic friends as well. I don't care about the others. Yours is the only opinion that matters. Thank you so much. You get I really me, you know? Appreciate that. So you'll be there.
Definitely. I'll be there. Great. Liz, all okay? Is she okay? रोमांटिक्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी रियलिटी उनके सपनों से बहुत दूर होती है। लिज ने 6 महीने अपनी परफेक्ट लव स्टोरी इमेजिन करी और अब अपना परफेक्ट हार्ट ब्रेक जी रही थी। शी वाज अ कंप्लीट मेस। हे, एक्सक्यूज मी, फक ऑफ। ही ब्रोक माय हार्ट। I can't breathe. You have a lot to figure out. I gotta go. Karan was a creature of today. Uske mind mein feeling jaisi messy cheezon ke liye koi jagah nahi thi. For him, relationships are based on attraction, jo temporary hota hai. Uske liye relationships could come and go, but life mein agar kuch rehne wala tha, to wo thi uski dosti. He never wanted to lose his 3 a.m. friend. Oye, Sona. Shaadi kar le mujhse. Shut up, Karan. Please, na. Nahi. Love you, na. I do love you. Tere funde aur tu bahut ajeeb. Excuse me, mere funde bilkul ajeeb nahi hai. I'm saying one simple thing. Yeah. Don't mix marriage and sex. Shaadi mujhse kar le. Aur sex Neil ke saath. Forget it. Chal milwa de usse. Never. Toxic fuckboy type hai kya? वो एक्चुअली तेतरा बिल्कुल भी। ही इज रियली काइंड, ही इज वेरी स्वीट, ही इज आल्सो क्वाइट इंटेलेक्चुअल। तेरे साथ क्या करूं, तू तो एक नंबर की गधी है। शाह, हम ना बहुत अच्छी फिल्में देखते हैं साथ में। आज मैं जा नहीं पाई बिकॉज़ आई एम वेरी बिजी एज यू कैन टेल। तो ये जो फिल्म देखने तुम आज नहीं गए हो, ये कौन सी फिल्म है? फॉरेस्ट ऑफ एनचैंटमेंट, फॉरेस्ट ऑफ सॉलिट्यूड। इसे नहीं गई तो देखने के लिए, तो नाम ही समझ नहीं आया। शट अप। अरे छोड़ ना मैरी। Karan, I want something more from life. Romance? तो नील से कर लेना romance. मेरे से शादी कर ले. Elena, marry me. Bye, Liz. Bye, everyone. Hi, boss. दिमाग खराब है तेरा, propose कर रहा हूँ. Soran, push him off the bar. Give him a whiskey sour and make sure he never enters this place again. This is my place of work, you little shit. रिमेम्बर दो इसकी सार होंगी। अच्छा सुन सुन सुन। इग्नोर हिम एलिना, ही इज लोनली। ऑफ कोर्स आई एम लोनली है, पर लोनलीनेस कोई परमानेंट स्टेट थोड़ी होती है। आदमी मतलब शादी में भी लोनली हो सकता है। पॉइंट। टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, वेयर इज योर हस्बैंड? मे बी ही इज गोना गेट सम ड्रिंक्स। या ड्रिंक्स। बट करण, लोनलीनेस का सलूशन सिर्फ लव है। ओ अच्छा, तुम दोनों में पॉजिटिव बात। ऑफ कोर्स। तुम लोग क्लोजेट में इतना पीछे बैठे हुए हो कि तुम्हारी रिलेशनशिप ने अभी तक रियल वाटर्स टेस्ट नहीं करे। द फक यू सेइंग, हिटिंग अस वेयर इट हर्ट्स, सेइंग द ट्रुथ। पर बॉस, प्यार तो किया ना। एग्जैक्टली, तुम्हारी तरह लाइफ को खांचों में डिवाइड नहीं किया। सच एन एनिमल। एनिमल्स तो मोनोगैमस होते हैं यार, ह्यूमंस आर नॉट। ह्यूमंस हैव अ ब्रेन एंड इट इवॉल्व्स। In fact, काफी सारी स्टडीज हैं that say कि humans का actual basic instinct polygamy है। ये तो बाद में society आई and they were like मेरी जोरू मेरी जमीन। But before that, men and women were free। Impressive। तू feminist है asshole, आज तक समझ नहीं पाए। तो तू मुझे slot मत करना, मैं तेरे को नहीं करता, लंबी जाएगी हमारी दोस्ती। Attraction का क्या यार? Last 5 minutes, my case 7। छोरा आदमी, excuse me। Where were you? My stomach. I was feeling sick. You are sick. Very funny. Yeah, I'm good. You want something? Yeah, Nicole, you want to watch a film? What's up? Sure, which film? Forest of Solitude. See you guys. A smile. It was like the first love of spring. One look at her. This was love. Her eyes sparkled. Two tiny lights. Hey, you're missing the scene. I'm missing nothing, trust me. Sara, baatein kaise kar raha hai? Sit down, stop stalking him. Like the first drops of
टॉर्चर्ड सोल को देखकर अपनी सारी फीलिंग्स उस पे प्रोजेक्ट कर दें। यू डोंट लाइक द फिल्म गर्ल, यू लाइक हिम। Maybe I'll leave. Sorry. Listen, you have to understand. This guy is seeing my best friend, Alina. Well, I don't care. I think I'm gonna go. No, stay. Come on. Son of a swine. Hey. Yeah. Stop stalking me, dude. I'm not stalking. What kind of a creep are you? You took a little boy to an adult film to watch. This is not an adult film. And that kid is my son. You have a son? Yeah. Let's go. यार एली, तू मेरा फोन उठा यार, ऐसे मत कर। मैं आ रहा हूँ तेरे पास मिलने के लिए तेरे को। I think you're in danger. वो नील जो है ना, वो तेरा मैरिड बच्चा है उसका। I'm coming to save you. और तू ऐसे मुझे अकेला मत छोड़ा कर यार। I can't handle myself. You know it. Maybe you are right. I am a lonely fuck. मगर तूने बोला था एक बार कि we are always going to be gal pals. मैं आ रहा हूँ, ये याद रखियो उस टाइम। एली तू कहाँ है यार, रात के 3 बज रहे हैं। मुझे लगता है एली यू मूविंग टू फास्ट। नील को लगेगा तू डेस्परेट बहुत ज्यादा है यार। तू भी काम कर, लेट मी इन, मैं कुछ खाता हूँ, मुझे भूख लगी है, फिर हम दोनों घर चलते हैं। स्टॉप इट करण, तू फिर घर से निकलवाएगा। ये तो प्लान है, फिर तो मेरे यहाँ रह लियो। तू नील को स्टॉक करने सिनेमा हॉल तक गया है, यू मैड? एंड ऑफ कोर्स आई नो ही हैज अ सन, आई एम इन एन एडल्ट रिलेशनशिप, और तू टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा है। तुझे अकेले नहीं रहना ना, देन गो फाइंड समवन। प्लीज खोल दे यार। ओके फक ऑफ यार करण, बाय। यू फक। करण अर्बन जंगल्स में रहने वाले उन हजारों लोनली सोल्स की तरह था, जो अपने अकेलेपन से बचने के लिए रात भर पार्टीज और दोस्तों में भटकते तो रहते हैं, पर जब यही दोस्त एक एक करके सेटल होने लगते हैं, इट रियली हिट्स देम। करण ने अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज तो कर लिया था, उसे पता था कि लाइफ की हर कमी को एक इंसान पूरा नहीं कर सकता, और वो अपने सारे एग्स एक बास्केट में डालकर हर्ट नहीं होना चाहता था। उसके फंडे यूनिक थे, बट ही न्यू ही वाज राइट। अपने आप को हर्ट प्रूफ करने वाला करण डिड नॉट नो कि वो ड्रामा प्रूफ नहीं था। Hey, excuse me? Fuck off! He broke my heart. मोहब्बत की बीमारी। Now how? What? It's a fucking disease. Like COVID? No. Well, worse. No vaccination. Screw that. Listen, you understand, the other day was about my bestie, Alina, right? You have a lot to figure out. I think you're in love with your best friend. Hey. Mm. For a while. I don't want to get into this. सीरीज Amazon Mini TV ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री।